कौन यहाँ पर फिल्मी सफर रखती है सबसे ज्यादा मायने बड़े सुपरस्टार्स के लिए, क्योंकि स्टार से सुपरस्टार का औहदा पाने के लिए स्टार्स को कितनी संघर्ष से गुजरना पड़ता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है उन दर्शकों का जिसने हमेशा सितारों की जिंदगी को चमचमाते देखा। लेकिन इस चमचमाती जिंदगी के पीछे की कड़वी सच्चाई, पीछे की वो तकलीफ हमेशा छुपी रही, दबी रही पर्दे की वजह से। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम सुपरस्टार सलमान खान और साथ में अक्षय कुमार को लेकर। आज बॉलीवुड टाउन में अक्षय और सलमान खान के बीच क्लैशेस की सबसे ज्यादा चर्चा है। यूं कह लीजिए कि साल 2020 में सबसे ज्यादा इन दोनों की क्लैशेस की चर्चा है। लेकिन भारी पड़ रहे हैं अक्षय अकेले सलमान खान पर, इस बारे में सुनकर झटका आपको लगेगा। क्योंकि जहां एक तरफ फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर अक्षय अपनी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीजिंग डेट को लेकर काफी ट्रेंड में बने रहे अजय देवगन से लेकर रणवीर सिंह के साथ, तो वहीं दूसरी ही तरफ अक्षय की एक और फिल्म जो कि सलमान की फिल्म राधे के साथ टकराने वाली है, यानी कि लक्ष्मी बॉम्ब आगे निकल आई है राधे से रैपअप के मामले में और सलमान रह गए हैं पीछे। सलमान के लिए आई है बुरी खबर, क्योंकि अक्षय ने मारी है बाजी इस मामले में और शुरू होगी प्रमोशन इसकी बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दोस्तों, ये बैड न्यूज खान फैमिली के लिए है, क्योंकि सलमान सोहेल और सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की बात हो रही है। सलमान की एक्टिंग एक्शन वाली फिल्म सोहेल खान और सलमान खान के अपने प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म को लेकर फिलहाल मुसीबतें हैं बरकरार। तो इस पर क्या करेंगे अब सलमान, खैर ये जानेंगे हम इस रिपोर्ट में कैसे इस मुश्किल भरी से निकलेंगे बाहर सलमान खान। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ हम आप सभी के बीच बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर आई एक ऐसी बैड न्यूज के बारे में जिसे सुनकर खान परिवार को लगा है बड़ा झटका। सलीम खान ने फिल्म दबंग 3 की रिलीज से पहले सलमान खान को ये कहकर बताई थी कि चिंता करने की बात नहीं है, ये फिल्म अच्छी जाएगी। तो आज सलीम खान फिल्म राधे को लेकर नहीं कह पाए हैं कुछ, क्योंकि राधे फिल्म के साथ बॉलीवुड के नए ब्लॉकबस्टर किंग कहे जाने वाले अक्षय की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को टकराते हुए देखेंगे आप। इस साल के सबसे बड़े महामुकाबले के रूप में लक्ष्मी बॉम्ब और राधे फिल्म को आंका जा रहा है, क्योंकि ईद साल का सबसे बड़ा मौका, सलमान खान की करियर का सबसे बड़ा मौका होता है ईद पर फिल्म को रिलीज करना। और ऐसे घड़ी में अगर सलमान खान की फिल्म सही टाइम से रैप अप नहीं कर पाती है तो बुरी खबर तो ये होगी ही। बताना चाहेंगे हम आपको अपने इस रिपोर्ट में खबरें आई हैं बहुत चिंता करने वाली, क्योंकि सलमान खान की फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई है कंप्लीट। सलमान खान के राधे फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है और स्केड्यूल अभी भी लगातार जारी है। तो वहीं अक्षय ने फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के शूटिंग को कंप्लीट कर अपनी खुशी जाहिर कर दी है और इसी कारण से अक्षय की फिल्म भारी अभी भी पड़ रही है, आगे निकल रही है सलमान खान से माना जा रहा है। बताना चाहेंगे हम आपको यहाँ पर फोटोज भी शेयर की गई है सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर। सलमान खान के बारे में अगर बात की जाए तो सलमान खान के बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि सलमान खान की फिल्म राधे को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर लाने के लिए राधे यूर मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान को अभी 17 दिन और भी काम करना पड़ेगा। और इसका अगर टाइम से नहीं होता है असर तो इसका असर प्रमोशन के टाइम पर होगा, जिसके कारण फिल्म के प्रमोशन की बर्बादी मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा शो सुपरस्टार सलमान खान को लेकर, उनसे जुड़ी आज हमने स्पेशल प्रोग्राम में आपको आज अपडेट दी है। क्या कहना है इन अपडेट का आपने जाना है, किस तरह से खबरें लगातार है जारी सलमान खान को लेकर आई हुई हमने हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपके बीच बात की है।
वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का, फिर लौटेंगे तमाम ट्रेंडी खबरें आपके बीच लेकर। बॉलीवुड टाउन से जुड़ी हुई देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।